हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल स्वातिज वेडर लाइफ स्टाइल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ ये मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। और फ्रेंड, जैसा कि सभी हम जानते हैं कि फेस्टिव सीज़न इज़ अबाउट टू कम और हमें मेकअप की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो फ्रेंड्स, रक्षाबंधन, तीज, मेकअप लुक, सारे जो मेरे मेकअप लुक हैं बैक टू बैक आने वाले हैं। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने फेस वॉश कर लिया था और उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र के लिए ट्राइकोन की डे क्रीम लगाई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्टे कुर्की का ऑयल प्राइमर है वो लगाया है। इसको मैंने फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम यूज़ किया है और मुझे ये अच्छा लगा है। उसके बाद मैंने हिलेरी रोडा की आईब्रो पैलेट है वो ली है। उससे मैं अपनी आईब्रोज़ को क्लीन करके अच्छे तरीके से फॉर्म कर लूँगी। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात है, इसमें कूली भी दी हुई है एक तरफ, तो इसे हम फॉर्म कर लेंगे। उसके बाद मैंने मेबेलिन की फिटमी का फाउंडेशन लिया है, उसको मैं अच्छे तरीके से अप्लाई कर लूँगी। फ्रेंड्स, क्योंकि गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो हम जो प्रोडक्ट यूज़ करें, आप मेक श्योर कि जो प्रोडक्ट वाटर रेसिस्टेंट या वाटर प्रूफ हो तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है। तो फ्रेंड्स, इसको मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को एक साथ नहीं ले रही हूँ, मैंने यहाँ पर पॉइंट पॉइंट करके लगाया है जिससे कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो इवनली हमारी स्किन पर ब्लेंड हो, स्प्रेड हो। अगर हम बहुत ज़्यादा ले लेते तो हमारी आँखों के आसपास बहुत ही ज़्यादा वाइटनेस जो होती है वो हो जाती है। इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत ही लिटिल अमाउंट में ये कंसीलर लिया है। उसके बाद इसको मैं ब्लू हेवन के कॉम्पैक्ट से सेट कर लूँगी, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो कॉम्पैक्ट से सेट करना इज़ वेरी नेसेसरी। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने इसको पूरे फेस पर ही अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया है, गर्मी के मौसम में इसीलिए। उसके बाद हम अपने जो आई शेडो है उसकी तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पर रस काइंड ऑफ शेड लिया है, इसको मैं अच्छी तरीके से अपने ट्रांजिशन शेड पर अप्लाई करूँगी और एक बिल्कुल नेचुरल जो आई कलर है वो मेरे आँखों पर आ जाएगा। तो दोनों आईज़ पर मैं इस तरह से कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्राउन काइंड ऑफ शेड लिया है और उसको मैं लिड पर अप्लाई कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इसको ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, प्लेस कर रही हूँ इवनली। उसके बाद दोनों आँखों पर हम इसको प्लेस कर लेंगे तो इससे हमारा जो आँखों का जो शेड होगा वो थोड़ा सा डैप नज़र आएगा। उसी ब्रश को लेकर मैंने जो नीचे की लोअर लैश लाइन है वहाँ पर अप्लाई किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक शिमर शेड है वो इनर कॉर्नर से लेकर मैंने जो मिडिल है वहाँ तक लिया है। इनर कॉर्नर पर मैं उससे थोड़ा सा और लाइट जो शिमर शेड है वो ले रही हूँ। और उसके बाद मैंने ब्राउन्सर के लिए इसी पैलेट में से ब्राउन शेड लिया है और बहुत ही अच्छा शेड आया है। उसी में से मैंने जो ब्लशर के लिए शेड है वो भी लिया है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से मिक्स एंड मैच करके एक आई शेडो पैलेट से पूरा जो मेकअप लुक है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी की लिक्विड हाइलाइटर है वो अप्लाई किया है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, नॉन ग्रीजी है, गर्मियों में आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऐसी बात नहीं है। और इसको मैंने अच्छे तरीके से अपने हाइलाइटेड पॉइंट पर अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर NYBA का वाटर रेसिस्टेंट लाइनर लगा लिया है, मेबेलिन का मस्कारा लगा लिया है, क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो हम कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड की ब्लैक लिपस्टिक है वो लगाई है, जो कि बहुत ही अमेजिंग लुक दे रही है मुझे मेरे इस ड्रेस के साथ। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।